हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल परमिशंस की। स्पेशल परमिशन कौन सी होती है लिनक्स में? ठीक है, तो स्पेशल परमिशन जो है मेरी तीन टाइप की होती हैं, SUID, SGID और स्टिकी। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले, फिर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे स्पेशल परमिशंस का। तो मैं आपको ऐसे डिटेल में कराऊंगा जैसे आपको बिल्कुल कहीं पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला इन स्पेशल परमिशंस के बारे में। तो सबसे पहले होती है स्पेशल परमिशंस में है SUID। ठीक है, ये है मेरी स्पेशल परमिशंस। तीन टाइप की होती हैं, SUID, SGID और स्टिकी। ठीक है, SUID क्या होती है? स्पेशल परमिशन होती है यूजर लेवल पे, और SGID स्पेशल परमिशन होती है ग्रुप लेवल पे, और स्टिकी स्पेशल परमिशन होती है अदर लेवल पे। तो SUID क्या करती है? SUID ओनली ऑन प्रोग्राम फाइल्स पे ही अप्लाई होंगी। प्रोग्राम फाइल्स जैसे पास, WD, sudo, ठीक है, इनकी प्रोग्राम फाइल की लोकेशन कहाँ पे होती है? सभी कमांड्स की /usr bin में। मतलब कि अगर आप इन कमांड को रन करोगे तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ओनर होगा वो इन प्रोग्राम फाइल्स का ओनर होगा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डीप में कराऊंगा स्पेशल परमिशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे SUID। SUID स्पेशल परमिशन है यूजर लेवल पे। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है स्पेशल परमिशन ऑन यूजर आईडी, और ये अप्लाई होती है ओनली ऑन प्रोग्राम फाइल्स पे। ठीक है, और ये क्या करती है? पहली चीज, दिस इज स्पेशल परमिशन ऑन यूजर लेवल और ओनली ऑन अप्लाई ऑन प्रोग्राम फाइल्स। ओके, एंड दिस इज फिक्स द प्रोसेस ओनर। द प्रोसेस ओनर विल बी द फाइल ओनर। प्रोसेस का ओनर कौन होगा? फाइल का ओनर प्रोसेस का ओनर होगा। ठीक है, मतलब कि जो कमांड यूजर रन कर रहा है वो प्रोसेस का ओनर नहीं होगा। देखो, कोई भी कमांड आप रन करते हो तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है, और उस प्रोसेस का एक ओनर होता है, एक ग्रुप ओनर होता है। ठीक है, ग्रुप ओनर कौन होता है? यूजर का प्राइमरी ग्रुप जिसने कमांड रन की है। तो SUID स्पेशल परमिशंस होती है, मतलब कि अगर आप इस कमांड को रन करोगे तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ओनर होगा वो फाइल का ओनर होगा, यूजर नहीं होगा। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं एक टर्मिनल पे जाता हूँ। ठीक है, ये मेरी RHEL 8 की मशीन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक लोकल यूजर, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं वो लॉगिन करता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं अभी किस लॉगिन में हूँ? शमी यूजर में। ठीक है, अब देखो, कोई भी लिनक्स में आप कमांड रन करते हो ना तो एक उसका प्रोसेस क्रिएट होता है। ठीक है, कोई भी कमांड आप रन करो तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है। जैसे मैं यहाँ पे VI ओपन कर रहा हूँ, VI से मैं कोई भी फाइल ओपन करता हूँ, जैसे VI फाइल, और मैं इसके साथ साथ मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ Ctrl Shift T से, ताकि मैं आपको प्रोसेस का आउटपुट दिखा सकूँ कि जैसे आप कोई भी कमांड रन कर रहे हो तो उसका एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने VI फाइल ओपन किया। ठीक है, अब बैकएंड में प्रोसेस क्या चल रहा है? देखो, हमने तो VI से फाइल ओपन करी, हमने फाइल पे काम कर लिया, बट बैकएंड में प्रोसेस क्या ओपन हुआ? ठीक है, प्रोसेस का ओनर कौन है, ग्रुप ओनर कौन है? ठीक है, तो मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ इस कमांड का। प्रोसेस शो करो, कमांड है VI, आउटपुट में मुझे शो करो UID, या मैं यूजर लिख देता हूँ, यूजर ग्रुप प्रोसेस ID और पेरेंट प्रोसेस ID। ठीक है, और कमांड भी मैं लिख देता हूँ कमांड। तो देखो, अभी मेरे जो कमांड विम किसने ओपन की थी? शमी यूजर ने। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, प्रोसेस शो करो PS, प्रोसेस शो करो, कमांड है विम। ठीक है, प्रोसेस शो करो, कमांड है विम, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? प्रोसेस का यूजर, प्रोसेस का ओनर कौन है, प्रोसेस का ग्रुप ओनर कौन है, प्रोसेस की ID क्या है, पेरेंट प्रोसेस ID क्या है, और कमांड नेम क्या है। तो देखो, शम्मी यूजर ने कमांड रन करी विम, तो प्रोसेस का ओनर बन गया शम्मी यूजर। मतलब जो कमांड रन करेगा वो प्रोसेस का ओनर होगा, और जो
जिसने जो कमांड रन करी है उसको प्राइमरी ग्रुप प्रोसेस का ग्रुप ओनर हो जाएगा। तो प्राइमरी ग्रुप कौन सा था शम्मी यूजर, तो आपको पता ही है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे लिनक्स इंजीनियर, तो आपको सभी को पता ही है कि जैसे जो हमारा जैसे यूजर होता है उसको प्राइमरी ग्रुप भी उसी के नाम से होता है। तो प्रोसेस का ग्रुप ओनर कौन बन गया, जिस बंदे ने कमांड रन की थी उसका प्राइमरी ग्रुप। बट स्पेस, अब देखो यहाँ पे जो विम है, विम की प्रोग्राम फाइल पे कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं लगी। अगर मैं किसी भी कमांड की प्रोग्राम फाइल की लोकेशन देखनी है तो विम विच कमांड से देखता हूँ, मैं करता हूँ विच विम, तो ये मेरी प्रोग्राम फाइल की लोकेशन आ गई। अगर आप इस फाइल को ls-l करते हो, तो देख रहे हो, इस देखो स्पेशल परमिशंस ओनली प्रोग्राम फाइल पे अप्लाई होंगे, ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना। जो स्पेशल परमिशंस होती हैं वो ओनली प्रोग्राम फाइल्स पे अप्लाई होंगे। अब देखो ये प्रोग्राम फाइल है, वो किसी सिंपल फाइल पे नहीं लगेगी, वो ओनली प्रोग्राम फाइल्स पे ही लगेगी। अब देखो यहाँ पे कोई स्पेशल परमिशन नहीं लगेगी, इसीलिए क्या है, जो प्रोसेस का ओनर है वो कौन बन रहा है, जो कमांड रन कर रहा है। बट स्पेशल परमिशंस में क्या होगा, जो प्रोसेस का ओनर होगा, जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया है प्रोसेस का ओनर, ये यूजर नहीं होगा जो कमांड रन कर रहा है। ये कौन होगा, ये इस प्रोग्राम फाइल का ओनर होगा, मतलब रूट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेशल परमिशंस में क्या होगा, जो प्रोसेस का जो ओनर होगा, अगर SUID है तो प्रोसेस का जो ओनर होगा वो कौन होगा, इस प्रोग्राम फाइल का ओनर, मतलब कि रूट, वो यूज़र नहीं होगा जो कमांड रन करेगा। अब मैं दिखा देता हूँ SUID किन किन फाइल्स के ऊपर लगी होती है। जैसे passwd एक हमारी काफ़ी कमांड यूज होती है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो उस पर स्पेशल परमिशन लगी है यूज़र लेवल पे। मतलब कि अगर आप वो कमांड रन करोगे, बैकएंड में प्रोसेस का ओनर रूट यूज़र होगा, वो यूज़र नहीं होगा जो कमांड रन कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो VI को मैं क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एन। ठीक है, अब मुझे passwd प्रोग्राम फाइल की लोकेशन देखनी है, तो वो भी /usr/bin में ही होगी। तो अब ये देखो passwd जो फाइल है, इसके क्या है, यूज़र लेवल पे स्पेशल परमिशन लगी हुई है। ठीक है, देख रहे हो यूज़र लेवल पे ऐड है स्पेशल परमिशन, देख रहे हो S मतलब कि स्पेशल परमिशन ऐड है यूज़र लेवल पे। मतलब कि अगर कोई भी यूज़र passwd कमांड को रन करेगा तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ओनर होगा वो शम्मी यूज़र नहीं होगा जो कमांड रन कर रहा है, वो फाइल का ओनर होगा। वो यूज़र नहीं होगा जो कमांड रन कर रहा है, वो कौन होगा, इस प्रोग्राम फाइल का ओनर, मतलब कि रूट यूज़र। ठीक है, देखो मैंने VI का इसीलिए आपको बताया था कि जब भी हम VI कोई भी कमांड रन कर रहे हैं तो बैकएंड में प्रोसेस का ओनर कौन है, वो यूज़र खुद बन रहा है। बट जहाँ पे स्पेशल परमिशंस लगी हुई हैं वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपकी स्पेशल परमिशन लगी है वहाँ पे प्रोसेस का ओनर आपका वो यूज़र नहीं होगा जो उस कमांड को रन कर रहा है, जो फाइल का ओनर है वही प्रोसेस का ओनर होगा। अब जैसे मैं अगर passwd कमांड को रन करता हूँ शम्मी यूज़र से, तो मैं शम्मी यूज़र प्रोसेस का ओनर नहीं बनेगा, प्रोसेस का ओनर बनेगा रूट। ठीक है, मतलब फिक्स कर दिया है प्रोसेस का ओनर। देखो आप कोई भी अगर पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या होता है कि आप passwd फाइल में राइट हो रहा है वो पासवर्ड, वो पासवर्ड कहाँ राइट हो रहा है, passwd फाइल में जाके राइट हो रहा है। बट अगर आपको देखो अदर यूज़र को तो रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है, वो कैसे राइट कर लेगा, तो इसीलिए क्या है कि सभी यूज़र्स को तो हम passwd का एक्सेस नहीं दे सकते ना, ऐसे तो वो किसी भी का भी पासवर्ड रिसेट करेंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जब भी कोई यूज़र passwd कमांड रन करेगा तो बैकएंड में प्रोसेस का जो ओनर होगा वो रूट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने passwd कमांड रन करी, ठीक है, देखो अब मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ, मैं दूसरे टर्मिनल पे आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ। प्रोसेस शो करो, कमांड है passwd, ठीक है, आउटपुट में मुझे शो करो user ID, या मैं यूज़र लिख देता हूँ यूज़र, ग्रुप, प्रोसेस आईडी और कमांड। ठीक है, मतलब मैंने कमांड रन करी passwd, तो passwd प्रोसेस शो करो। ठीक है, देखो कोई भी कमांड रन होगी उसका एक प्रोसेस क्रिएट होगा, तो प्रोसेस शो करो, कमांड है passwd, सी यहाँ पे कैप्स में आएगा। ठीक है, प्रोसेस शो करो, कमांड है passwd, आउटपुट में मुझे चाहिए प्रोसेस का ओनर
ग्रुप वन और प्रोसेस आईडी और कमांड नेम। तो अब ये देखो आप, यूजर कौन है, रूट, जबकि कमांड किसने रन करी, शमी यूजर ने, देख रहे हो, यूजर कौन है, रूट यूजर, और जबकि कमांड किसने रन करी, कमांड रन करी, देख रहे हो, पास डब्ल्यू डी कमांड। मैं आपको स्पेशल परमिशंस का मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि हम जो है प्रोसेस को व्यू नहीं कर रहे, हम जस्ट इस कमांड्स पे काम कर रहे हैं, प्रोसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि जैसे पास डब्ल्यू डी शमी यूजर ने कमांड रन करी, तो प्रोसेस का ओनर शमी यूजर नहीं बना, कौन बना, पास डब्ल्यू डी फाइल का ओनर, रूट यूजर, जो पास डब्ल्यू डी फाइल है ना, पास डब्ल्यू डी फाइल का ओनर तो ना रूट, तो रूट यूजर ओनर बन रहा है प्रोसेस का, ठीक है। इसीलिए हम पासवर्ड चेंज हो जाता है हमारा, क्योंकि पासवर्ड डब्ल्यू डी जो फाइल है उसका ओनर ही रूट है, तो आप रूट बन के काम करोगे तो आप पासवर्ड चेंज कर पालोगे अपना। बट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इफेक्ट दिखाता हूँ कि अगर आप पास डब्ल्यू डी फाइल से स्पेशल परमिशन माइनस कर दो तो क्या इफेक्ट होता है, कोई भी यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम स्पेशल परमिशन माइनस कर दें यूजर लेवल से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कंट्रोल सी, इसके लिए मुझे पहले सबसे पहले रूट में जाना पड़ेगा, रूट एट द रेट 123, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेशल परमिशन माइनस कर रहा हूँ पास डब्ल्यू डी फाइल से, और आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कि अगर स्पेशल परमिशन हम नहीं ऐड करते तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पास डब्ल्यू डी कमांड पे, ठीक है। सी एच मोड यूजर लेवल से माइनस करो स्पेशल परमिशन स्लैश यू एस आर स्लैश बिन पास डब्ल्यू डी के, तो मैंने यूजर लेवल से स्पेशल परमिशन माइनस कर दी। अगर हम अब मैं एल एस हाइफन एल करके दिखाता हूँ, कंट्रोल डी एल एस हाइफन एल करता हूँ स्लैश यू एस आर बिन पास डब्ल्यू डी के, तो देखो स्पेशल परमिशन चली गई, अब कोई स्पेशल परमिशन नहीं है यूजर लेवल पे। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, अब अगर मैं पास डब्ल्यू डी कमांड रन करूँगा तो मेरा पासवर्ड चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब प्रोसेस का ओनर मेरी फाइल का ओनर नहीं होगा, वही यूज़र होगा जिसने कमांड रन की है, और जो कमांड जो यूज़र कमांड रन कर रहा है वो फाइल का ओनर नहीं है। आपको देख रहे हो किस फाइल का ओनर है, रूट, कि अगर प्रोसेस रूट होगा तो ही आप, प्रोसेस का ओनर रूट होगा तो ही आप फाइल में चेंजेस मतलब पासवर्ड चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अब कौन बनेगा मेरा फाइल का ओनर, शमी बनेगा, मतलब प्रोसेस का ओनर शमी बनेगा, ठीक है, और वो पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रोसेस का ओनर, देखो प्रोसेस का ओनर पहले कौन बन रहा था, रूट यूज़र, ठीक है, जब स्पेशल परमिशन ऐड थी, अब मैंने स्पेशल परमिशन माइनस कर दी, अब देखना क्या इफेक्ट होता है। मैं पास डब्ल्यू डी कमांड रन कर रहा हूँ फॉर चेंज द पासवर्ड, तो मैंने पास डब्ल्यू डी कमांड जैसे ही रन करी, अब प्रोसेस को मैं आपको शो कर दूँ कि प्रोसेस का ओनर अब कौन बनेगा, प्रोसेस का ओनर अब मेरा रूट नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं दोबारा ये कमांड शो करता हूँ, प्रोसेस शो करो कमांड पास डब्ल्यू डी येल्लो, तो अब देख रहे हो कुछ डिफरेंस आया, पहले क्या था, पहले रूट यूज़र ओनर बन रहा था प्रोसेस का, बट अब कौन बन रहा है, सम यूज़र, देख रहे हो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये आप नहीं समझोगे तो स्पेशल परमिशंस आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो प्रोसेस का ओनर था वो रूट यूज़र नहीं बना, वो शमी यूज़र बना, तो शमी यूज़र को तो पास डब्ल्यू डी फाइल का जो है राइट परमिशन ही नहीं है, तो वो पासवर्ड चेंज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि प्रोसेस का ओनर जो था फिक्स कर दिया था स्पेशल परमिशन ने, कि प्रोसेस का ओनर कौन होगा, फाइल का ओनर, अगर स्पेशल परमिशन नहीं लगी तो यूज़र ही प्रोसेस का ओनर बनेगा, तो अब यूज़र ही प्रोसेस का ओनर बन गया, तो अब वो पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पास डब्ल्यू डी जो फाइल है ना उसमें राइट ऑपरेशन का जो परमिशन है वो रूट यूज़र को ही है, ठीक है। अब मैं अगर पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो मेरा पासवर्ड चेंज नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि करंट पासवर्ड मांग रहा है मुझसे कि मेरा करंट पासवर्ड क्या है, मैंने करंट पासवर्ड दे दिया, अब ये न्यू पासवर्ड मांग रहा है, रीटाइप न्यू पासवर्ड, तो देखो क्या आ रहेगा, देख रहे ऑथेंटिकेशन टोकन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्पेशल परमिशन माइनस करने से क्या हुआ, प्रोसेस का ओनर फाइल का ओनर नहीं बना, मतलब कि रूट यूजर नहीं बना, कौन बना, वो यूजर जिसने कमांड रन की थी,
प्रोसेस का ओनर वो बन गया जो जिसने कमांड रन की थी। तो इसीलिए स्पेशल परमिशंस की जरूरत पड़ी कि हम यूजर को पता ना ही चले कि बैकएंड में जो प्रोसेस काम कर रहा है वो रूट यूजर काम कर रहा है, वो यूजर खुद नहीं काम कर रहा। तो इसीलिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं स्पेशल परमिशन ऐड करूंगा प्रोग्राम फाइल में और यूजर नाउ कैन रीसेट देयर पासवर्ड। ठीक है, तो मैं रूट में जाके अब दोबारा स्पेशल परमिशन ऐड कर देता हूँ जिससे कि जो फाइल का ओनर है वही प्रोसेस का ओनर बनेगा। ठीक है, सी एच मोड यूजर लेवल पे ऐड करो स्पेशल परमिशन स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश पासवर्ड जो भी ऐड कर दी स्पेशल परमिशन कंट्रोल डी। ठीक है, अब देखो अब मैं पास डब्ल्यू डी कमांड रन करता हूँ। ठीक है, अब पास डब्ल्यू डी कमांड रन करता हूँ, अब देखो क्या होगा, प्रोसेस का ओनर शमी यूजर बन रहा था जब यूजर खुद बन रहा था जब स्पेशल परमिशन ऐड नहीं थी, अब मैंने दोबारा स्पेशल परमिशन ऐड कर दी तो अब क्या करेगा, रूट यूजर प्रोसेस का ओनर बनेगा, मतलब फाइल का ओनर। ये देखो रूट यूजर इज प्रोसेस ओनर। देखो ये मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको, आपको क्या है मोस्टली लोग ऐसे कराएंगे बट प्रोसेस के बारे में कोई नहीं बताता जो बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई प्रोसेस शो करो, कमांड है ये और आउटपुट में शो करो यूजर ग्रुप प्रोसेस आईडी कमांड नेम। तो जो मेरा देखो प्रोसेस पास डब्ल्यू डी कमांड आप जैसे ही रन कर रहे हो तो देखो फाइल का ओनर जो है वो प्रोसेस ओनर बन रहा है, बट जबकि आप स्पेशल परमिशन माइनस कर रहे थे तो जिस यूजर ने कमांड रन करी वो प्रोसेस का ओनर बन रहा है, फाइल का ओनर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये था मेरा एस यू आई डी का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एस जी आई डी में। एस जी आई डी क्या होती है, एस जी आई डी द स्पेशल परमिशन ऑन द ग्रुप लेवल, मतलब कि एस जी आई डी फिक्स कर देती है प्रोसेस का जो ग्रुप ओनर होगा वो फाइल का ग्रुप ओनर होगा, यूजर का प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, एस जी आई डी क्या करती है, एस जी आई डी फिक्स द प्रोसेस ग्रुप ओनर, द फाइल ग्रुप ओनर विल बी द प्रोसेस ग्रुप ओनर नॉट द यूजर प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब जैसे कुछ कमांड्स हैं ये भी प्रोग्राम फाइल्स पे लगती है, एस जी आई डी मेरी प्रोग्राम फाइल पे भी लग जाती है और डायरेक्टरी पे भी लग जाती है, बट एस यू आई डी ओनली प्रोग्राम फाइल पे लगती है, डायरेक्टरी पे नहीं लगेगी। बट एस जी आई डी कैन बी यूज ऑन बोथ डायरेक्टरी और ऑन फाइल्स। अब कौन सी फाइल है जिस पे स्पेशल परमिशन ग्रुप लेवल पे लगी हुई है, एक प्रोग्राम फाइल होती है लोकेट नाम की। ठीक है, लोकेट का नाम की एक मेरी एक प्रोग्राम फाइल है, मतलब कि जब आप उसको रन करोगे तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ग्रुप ओनर होगा वो उस फाइल का ग्रुप ओनर होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, अब ये भी मैं वी आई से एग्जाम्पल ले लेता हूँ या फिर कोई और कमांड, जैसे पास डब्ल्यू डी में भी आपने देखा था कि जैसे मैं पास डब्ल्यू डी रन कर रहा हूँ तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ग्रुप ओनर है वो वही है, वो कौन है, वो मेरे यूजर का प्राइमरी ग्रुप ही है। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, आपको प्रोसेस का ग्रुप ओनर चेंज मिलेगा बट जो ओनर होगा वो वही यूजर होगा जिसने कमांड रन की है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे हमारी एक कमांड होती है लोकेट कमांड, जहाँ पे ग्रुप लेवल पे स्पेशल परमिशन लगी हुई है। मैं दिखा देता हूँ ls-l/usr/bin। ठीक है, तो मेरी ये देखो एक फाइल होती है लोकेट, कमांड है लोकेट। तो लोकेट कमांड आप जब भी रन करते हो तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ग्रुप ओनर होगा वो इस फाइल का ग्रुप ओनर होगा एस लोकेट, वो यूजर का प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस फाइल का ग्रुप ओनर कौन है, एस लोकेट, मतलब कि आप जब भी लोकेट कमांड रन कर रहे हो तो बैकएंड में जो प्रोसेस का ग्रुप ओनर होगा वो आपका प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा। मेरा प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, शम्मी, मेरा प्राइमरी ग्रुप है शम्मी। तो
अगर आप कभी भी इस कमांड को रन करोगे तो बैकएंड में जो मेरा प्रोसेस का ग्रुप ओनर है वो मेरा शम्मी ग्रुप नहीं होगा, वो कौन होगा? एस लोकेट, एस लोकेट, ठीक है। अब जैसे लोकेट कमांड किस लिए यूज होती है, आपको पता ही है, लोकेट कमांड इज यूज फॉर सर्चिंग द फाइल इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट लोकेट कमांड आउटपुट इज नॉट 100% रिलेबल बिकॉज दिस इज सर्च इन एमलोकेट डॉट डीबी डाटाबेस, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी एमलोकेट डॉट डीबी डाटाबेस में हमें सर्च करके देती है, एंड वी ऑल्सो नीड टू अपडेट दिस डाटाबेस अब डेली। तो चलो लोकेट कमांड के बारे में नहीं हम बात करें, हम लोकेट कमांड के बारे में समझ रहे थे कि एक स्पेशल परमिशन लगी है ग्रुप लेवल पे, मतलब कि बैकएंड में प्रोसेस का ग्रुप ओनर इस फाइल का ग्रुप ओनर होगा कौन, एस लोकेट, ठीक है। तो अब देखो मैं लोकेट कमांड रन करूँगा, लोकेट पास डब्ल्यू डी, ठीक है। लोकेट पास डब्ल्यू डी क्या करेगा, पास डब्ल्यू डी फाइल को सर्च करेगा, बट मैं कंट्रोल जेड से इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप्ड कर दूंगा ताकि आपको प्रोसेस शो कर सकूँ कि इस लोकेट कमांड का प्रोसेस की आउटपुट क्या है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड से स्टॉप्ड कर दिया, कंट्रोल जेड इज यूज फॉर स्टॉपिंग द प्रोसेस टेम्परेली, ओके। तो मैं आपको अब इसका प्रोसेस शो करना चाहता हूँ, लोकेट कमांड का क्या प्रोसेस है, ओके। कंट्रोल है तो प्रोसेस शो करो, कमांड है लोकेट, ये लो। अब यहाँ पे आप एक चीज देखने वाली है, मैंने कहा कि प्रोसेस शो करो, कमांड है लोकेट, आउटपुट में शो करो यूजर ग्रुप प्रोसेस आईडी और कमांड नेम। देखो कमांड रन करी, प्रोसेस क्रिएट हुआ, अब प्रोसेस का ओनर तो चलो वही बन गया जिसने कमांड रन की थी, बट प्रोसेस का ग्रुप ओनर देखो कौन है, ठीक है। तो यही काम है एसजीआईडी का, अगर स्पेशल परमिशन लगी ग्रुप लेवल पे मतलब कि फिक्स कर दिया प्रोसेस का ग्रुप ओनर कौन होगा, फाइल का ग्रुप ओनर ही प्रोसेस का ग्रुप ओनर होगा, यूजर का प्राइमरी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो मेरी लोकेट फाइल होती है उसका जो ग्रुप ओनर है वो एस लोकेट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ls-l/usr/bin, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ग्रुप ओनर देखो कौन है, एस लोकेट। तो क्या करती है एसजीआईडी, स्पेशल परमिशन है ग्रुप लेवल पे जो फिक्स कर देती है प्रोसेस का ग्रुप ओनर कौन होगा, फाइल का ग्रुप ओनर, देखो फाइल का ग्रुप ओनर कौन है, एस लोकेट, तो इसलिए प्रोसेस का ग्रुप ओनर भी कौन बना, एस लोकेट, मेरा प्राइमरी ग्रुप नहीं बना। तो ये होती है एसजीआईडी, और एसजीआईडी अगर आप डायरेक्टरी पे लगा देते हो तो वो फिक्स कर देती है ग्रुप का ओनर, कोई भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर फाइल क्रिएट या डायरेक्टरी क्रिएट करेगा उनका ग्रुप ओनर, उनका प्राइमरी ग्रुप नहीं बनेगा, उस डायरेक्टरी का ग्रुप ओनर बनेगा। तो एस लोकेट का भी आपको समझ में आ गया होगा, एसजीआईडी में हम यूजर बनता था जो मतलब प्रोसेस का ओनर था वो फाइल का ओनर बनता था, और एसजीआईडी में प्रोसेस का ग्रुप ओनर फाइल का ग्रुप ओनर बनेगा, फाइल का ग्रुप ओनर प्रोसेस का ग्रुप ओनर बनेगा। अब इसके बाद मेरा लास्ट रह जाता है स्टिकी। तो स्टिकी क्या होता है, स्टिकी इज अ स्पेशल परमिशन ऑन अदर लेवल, ठीक है। और स्टिकी हमारा ओनली ऑन डायरेक्टरीज पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो स्टिकी हमारा मोस्टली उन डायरेक्टरीज के ऊपर अप्लाई होता है जहाँ पे 777 परमिशन होती हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, तो स्टिकी क्या होता है, स्टिकी होती है स्पेशल परमिशन ऑन अदर लेवल और ओनली ऑन डायरेक्टरीज पे ही अप्लाई होता है। तो स्टिकी हम इसलिए लगाते हैं, जैसे मान लो एक बगीचा है, बगीचे में आपके 10 पौधे लगे हुए हैं कोई, ठीक है, या फिर मान लो कोई पार्क है तो वहाँ पे आप क्या अपने अपना पौधा लगा देते हो और उस पर एक नेम प्लेट लगा देते हो, हाँ भाई ये MLA साहब की ने लगाया हुआ है, ये विधायक जो अपने सांसद ने लगाया हुआ है, ये स्वास्थ्य मंत्री ने लगाया हुआ है। तो क्या होता है कि पार्क में आ तो कोई भी सकता है, ठीक है, पर पौधा किसी का नहीं उखाड़ना, सभी अपने अपने पौधे उखाड़ सकते हैं। मान लो मेरा पौधा कोई उगाया हुआ है, मैंने उसको उखाड़ दिया, ठीक है, अब मैं ये थोड़ी कि दूसरे के पौधे को भी उखाड़ के ले लूँगा, मतलब कि एक तरह से एक लोकर होते हैं ना, जैसे कि अगर आपके पास चाबी तो है बट आप जो है ओनली अपना ही असेस कर सकते हो, दूसरे का असेस नहीं कर सकते,
ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब यही होगा कि एक स्टिकी लगा दिया कि भाई ये उस बंदे की चीज़ है, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आप स्टिकी लगा देते हो, प्लीज डू नॉट टच दिस, प्लीज ये वो जो भी। ठीक है, तो स्टिकी का भी मतलब यहाँ थोड़ा वैसा ही है कि एक डायरेक्टरी होती है हमारी, डायरेक्टरी में सभी को फुल एक्सेस है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए हम उन डायरेक्टरीज के ऊपर स्टिकी लगा देते हैं कि ओनली द फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल। ठीक है, स्टिकी मोस्टली उन्हीं डायरेक्टरीज के ऊपर लगता है जहाँ पे 777 परमिशंस होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक डायरेक्टरी है स्लैश टेम्प, अब देख रहे हो स्लैश टेम्प डायरेक्टरी में अदर लेवल पे स्टिकी लगा हुआ है, स्टिकी हमारा टी से डिनोट होता है, देख रहे हो टी टी से डिनोट होता है स्टिकी। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्टरी ऐसी है जिसमें सभी को फुल एक्सेस है, देख रहे हो यूजर लेवल को भी फुल एक्सेस है, ग्रुप लेवल को भी फुल एक्सेस है, अदर्स लेवल को भी फुल एक्सेस है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट परमिशन की जगह आता है, यहाँ एग्जीक्यूट परमिशन भी है। ठीक है, तो देखो सभी को फुल एक्सेस है इस डायरेक्टरी के अंदर, स्लैश टेम्प के अंदर, तो मतलब कोई भी इस डायरेक्टरी के अंदर किसी भी यूजर की फाइल को डिलीट कर देगा ना, क्योंकि फुल एक्सेस है सभी को। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, स्टिकी लगा देते हैं। स्टिकी का मतलब ओनली फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल, ओनली फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल। ठीक है, मतलब कि कोई दूसरा यूजर किसी दूसरे यूजर की फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। अब जैसे मैं सीडी स्लैश टेम्प में जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे जो शमी यूजर है, मैं शमी यूजर हूँ, मैं अपनी फाइल को अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं कर दूंगा। मैं जैसे अपनी फाइल को अगर डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करो, ओके, ये एक डायरेक्टरी है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने वो डायरेक्टरी रिमूव कर दी ये वाली, क्योंकि इसका ओनर भी मैं था, ग्रुप ओनर भी दे, ये देखो 1000 वाली डायरेक्टरी मैंने डिलीट कर दी, दिखाना चाहता हूँ, देख लो डायरेक्टरी चली गई, अब मेरे नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है। और अगर मैं अगर किसी रूट की फाइल को डिलीट करूँ क्या वो होगी? ठीक है, तो मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं रिमूव करता हूँ इस फाइल को, मान लो मैं रिमूव कर रहा हूँ डायरेक्टरी को, रिमूव भी कर से, ठीक है, तो मैं देखो रिमूव कर रहा हूँ, तो देखो क्या एरर आया, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, जबकि मुझे तो इस डायरेक्टरी में फुल एक्सेस है, अदर लेवल को भी रीड राइट का एक्सेस है, तो क्यों नहीं ये डिलीट हुई, क्योंकि स्टिकी लगा हुआ है अदर लेवल पे। अब मैं क्या करता हूँ, स्टिकी को रिमूव करता हूँ और तब इफेक्ट दिखाता हूँ कि अगर आपने स्टिकी नहीं लगाया हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए मैं रूट यूजर में जाता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टिकी हटा रहा हूँ स्लैश टेम्प से, सी एच मोड अदर लेवल से माइनस कर दो स्टिकी को, कहाँ से, स्लैश टेम्प से, ठीक है, सी एच मोड अदर लेवल से माइनस कर दो स्लैश, माइनस कर दो स्टिकी को स्लैश टेम्प से, कर दिया। अब कंट्रोल डी करके मैं यूजर में जाता हूँ, कंट्रोल एल, ठीक है, अब ls-ld करके दिखाता हूँ, देखो स्लैश टेम्प से स्टिकी चला गया। ठीक है, और अब मैं अगर रूट यूजर की फाइल को रिमूव करूँ तो फाइल रिमूव हो जाएगी, क्योंकि अब कोई स्टिकी नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब देखो ये मेरे रूट यूजर की फाइल है, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ये लो, देख रहे हो फाइल रिमूव हो गई, मुझे कोई एरर नहीं आया। देखो ट्रैक एक्सट्रैक्शन फाइल, कोई फाइल नहीं है अब इस नाम से, देख रहे हो ये फाइल रिमूव हो गई, क्योंकि अदर लेवल पे स्टिकी नहीं लगा हुआ।
ठीक है, अदर लेवल पे स्टिकी नहीं लगा हुआ, जिसका इफेक्ट क्या करता है कि कोई भी यूज़र किसी की भी फाइल को रिमूव कर रहा है, तो स्टिकी का यही इफेक्ट होता है कि ओनली द फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल, ओनली द फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल, अनदर यूज़र कैन नॉट रिमूव योर फाइल, ओनली द फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल। तो मैं स्टिकी ऐड कर देता हूँ दोबारा, ठीक है, तो सी एच मोड अदर लेवल पे अप्लाई कर दो, स्टिकी कंट्रोल डी प्लस एफ1 आईडी, ये लो स्टिकी आ गया। ठीक है, अब देखो रिमूव करके रूट यूजर की फाइल, ये लो रूट यूजर की कौन सी फाइल डिलीट करनी है लो करो, लो मैं लास्ट वाली कर देता हूँ, 7Z वाली, 7Z रिमूव रिकर्सिव 7Z नहीं हुआ, 6 नहीं, देख रहे कैन नॉट रिमूव, रिमूव नहीं हो रही कोई भी फाइल। ठीक है, मैं कुछ भी फाइल ले, मैं रिमूव रिकर्सिव सिस्टम डी VOLT येलो, ये डायरेक्टली डिलीट करो, यस देख रहे यस क्या रह रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्योंकि अदर लेवल पर स्टिकी लगा हुआ है स्लैश टैंप की, क्योंकि अदर लेवल पर स्टिकी लगा हुआ है। तो स्टिकी का क्या रोल है कि ओनली द फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल, ओनली द कैन फाइल ओनर कैन रिमूव द फाइल। तो दोस्तों ये मेरे कुछ स्पेशल परमिशंस थी जो मैंने पूरी डेप्थ में आपको बताई है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर माई वीडियो, ओके, थैंक यू।